तुम्हें पता है निशा, मैंने मन्नत मांगी थी कि जैसे विशाल की शादी तय हो जाएगी मैं यहाँ आकर माता जी पर साड़ी चढ़ाऊंगी। आपकी मन्नत तो पूरी हो गई, फिर आप साड़ी क्यों नहीं लाई? वो तो यहीं से ले लेंगे। यहाँ हर एकादशी के दिन पर एक छोटा सा मेला होता है, आसपास के लोग आकर अपनी अपनी दुकानें लगाते हैं। देखो वहाँ साड़ियों की दुकान भी है। वहाँ चलते हैं, चलो। ओके, आओ बेटा। लाल कलर की साड़ी तो नहीं है। जैसी साड़ी मुझे चाहिए वो तो यहाँ पर नहीं है। वो वहाँ देखो, दूसरी दुकान है। हाँ वहाँ देखो। चलो बेटा, यहाँ साड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस औरत को समझाते समझाते आप थक जाओगी। सिर्फ तमिल बोलती है, हिंदी ना बोलती है ना समझती है। चलो देखते हैं। सुनिए, मुझे ऐसी लाल साड़ी चाहिए माता को चढ़ाने के लिए। நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல। नहीं नहीं, ऐसी वाली नहीं, वो ऐसे बॉर्डर वाली। நீங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு தெரியலமா, இது 200 ரூபாய் சீலே வாங்கிங்கமா? Do you speak English? Red saree? நீங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு புரியலமா। நிஷா ये हिंदी समझ नहीं पा रही, अंग्रेजी कहां से बोलेगी? कहीं और देखिए। ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। எங்கள் அம்மாவுக்கு சிகப்பு கலர் சேலை காட்டுங்க, அம்மனுக்கு சாத்தனும், இல்லை இது சரி இல்லை வேற காட்டுங்க, சிகப்பு கலர் காஞ்சிபுர சேலை பார்டர் அகலம் வேணும். 500 ரூபாய் ரொம்ப ஜாஸ்தி, கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க. இல்லை 500 ரூபாய் நான் கொடுக்க மாட்டேன், அம்மா கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுங்க. இல்லை இது சரி இல்லை வேற காட்டுங்க. குஷி தமிழ் மே பாத் கர் ரஹி ஹே. दिन तनाना नाना दिल तुम ताना नाना, दिन तनाना नाना दिल तुम ताना नाना, दिन तनाना नाना दिल तुम ताना नाना।